वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कानपुर किचन। आज हम डोनट की रेसिपी बनाने वाले हैं। डोनट यूजुअली रेस्टोरेंट से बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट हम घर पर अवेलेबल सामान से इसको बना सकते हैं। चलिए फिर डोनट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है 2.5 कप मैदा, जिसको हम पहले छान लेंगे। अब इसको देखिए, हमने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें हम लेंगे जायफल, आधा जायफल हम इसे क्रश करके डालेंगे। जायफल डालने से ये होता है, जितना बाहर जैसा जो टेस्ट होता है आपको वो मिलेगा। ये हमारी सीक्रेट रेसिपी है। अब इसमें हम शक्कर डालेंगे, हमने 3 टेबलस्पून शक्कर लिया है। अब हमने नमक लिया है, 2 पिंच नमक लिया है। अब इसे एक बार मिक्स कर देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम अपना मिल्क का मिक्सचर तैयार करते हैं। हमने 1/2 कप मिल्क लिया है, जिसमें हम 1 चम्मच मक्खन डाल रहे हैं। हमने 1 अंडा लिया है, मगर आप अगर चाहें तो आप अंडे की जगह कर्ड यूज कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमारा वनीला एक्सट्रैक्ट है, या तो किसी भी शॉप में इजिली मिल जाएगा। ये हमारा 1 टेबलस्पून यीस्ट है, इसको हमें मिक्स करके 5 मिनट रख देना है, ताकि यीस्ट थोड़ा सा फूल जाए। 5 मिनट हो चुका है। अब हम अपने मिल्क के मिक्सचर को फ्लावर में ऐड करते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपको लगे मिल्क कम है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हैं। मैंने 1/2 कप लिया था। अभी इसको आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं या किसी स्पून का यूज करें। देखिए, आप जैसा देख रहे हैं, हमारा फ्लावर अभी ड्राई है, मतलब हमें थोड़े और मिल्क की जरूरत है, तो हम थोड़ा सा मिल्क और ऐड करते हैं। हमने थोड़ा सा मिल्क और लिया है, तो हम धीरे धीरे ऐड करेंगे ताकि ज्यादा ना हो जाए। और आपको एक और ध्यान रखना है कि जो आपका मिल्क है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और थोड़ा गर्म होना चाहिए। ठंडे दूध में आप मिल्क यूज कर सकते हैं, और ज्यादा दूध गर्म भी ना हो। अब आप ये देखिए, हमारा डो इस तरह का है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा स्टिकी है, लेकिन इसमें आपको फ्लावर ऐड नहीं करना है, हमें इसी तरह का चाहिए। क्योंकि अब हमें जब इसको स्लैब पे हम यूज करेंगे, आप कोशिश करेंगे कोई बड़ी जगह हो जहाँ पे आप इसको प्रॉपर एक डो की तरह तैयार करें। तो आप देखिए, इस तरह आपको ऑयल लगाना है। और अब आप पूरा ये उतार के मिक्सचर इसको हाथ से हथेली से इसको फोर्स कीजिए, और इसको एक प्रॉपर डो तैयार करिए। स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए। देखिए, हमारा डो कितना स्मूथ हो गया है, हमें फ्लावर ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हम अपने बोल को ग्रीस करके इसको 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे। इसको कवर करके 1 घंटे के लिए आप किसी वार्म जगह पे रख दीजिए। 1 घंटा हो चुका है। अब आप देखिए, हमारा डो कितना फूल चुका है। अब चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसको धीरे धीरे हमें बेलना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो आटा है, जब हम उसको बनाए, तो उसकी लेयर ना ज्यादा मोटी हो ना ज्यादा पतली। देखिए, हमने बेले, अब हम आपको इसकी थिकनेस दिखाते हैं, साइड से कितना होना चाहिए। अब इसको हम डोनट कटर से हम शेप देंगे। अब देखिए, हमने इस तरह काटा है। अब हम दिखाते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास डोनट कटर ना हो, तो आप बॉटल का कैप लीजिए और उसको इस तरह। अब देखिए, कितना इजीली बाहर आ गया और हमारे डोनट का प्रॉपर शेप मिल गया। अब हमें धीरे से इसको हटाना है और एक जगह पे रखना है। देखिए, इस तरह आप किसी भी डिश या ट्रे में अब आप उसको कट करके रखते जाएंगे। अब आप इधर देखिए, जो हमारा बाकी आटा बचा है, हम उसको किस तरह यूज करते हैं। तो जितना हमारा एक्स्ट्रा बचता जाएगा, उसको यूज करके हम प्रॉपर एक डोनट बनाते जाएंगे। देखिए, हमारे डोनट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें 10 मिनट कवर करके रखेंगे, चाहे किसी क्लॉथ से चाहे किसी लिड से, ताकि ये और फूल जाए।
जब तक हमारे डोनट सो रहे हैं हम अपनी डिपिंग बना रहे हैं। पहली डिपिंग हमारी वनीला की है, जिसमें हमने एक कप शुगर लिया है जिसका हमने पाउडर बनाया है। 1 टेबल स्पून हमारा बटर है, 1/2 कप हमारा दूध है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी दूसरी डिपिंग है जिसमें हमने डार्क चॉकलेट लिया है और हम इसमें एक स्पून बटर डालेंगे। हमने कंपाउंड डार्क चॉकलेट लिया है, आप कोई भी चॉकलेट अवेलेबल ले सकते हैं। इसको आपको 10-15 सेकंड्स माइक्रोवेव में रखना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो या आपको नहीं यूज करना हो तो आप स्टीम से भी इसको थोड़ा सा मेल्ट कर सकते हैं। अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे डोनट्स कितने फूल गए हैं। हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एक बार में 2 डालिएगा और इसको हमें ज्यादा लाल नहीं करना है, बस बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। देखिए हमारा कलर आ चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हमें सारे डोनट्स फ्राई करने हैं। देखिए हमारे डोनट्स फ्राई हो चुके हैं, कितना अच्छा कलर आया है। अब हम सबसे पहले आपको अपनी वनीला डिपिंग दिखाते हैं। ये हमारी वनीला डिपिंग है, बस जिसमें हमें थोड़ा सा डिप करके इसको निकाल के रख लेंगे। अब हम अपनी चॉकलेट डिपिंग दिखाते हैं। ये देखिए हमारा फाइनल डिपिंग हो गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कितना ज्यादा मॉइस्ट है। ये देखिए बिल्कुल बाहर जैसा बना है और आप देखिएगा उतना ही मॉइस्ट बना है। तो एक बार इसे प्लीज जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें फॉलो करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू सो मच।